और ही वहाँ पे हाजी अली की दरगाह, और ये चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का हो, हर कोई यहाँ पे आ सकता है घूमने के लिए। ये देखो आप पानी, उधर उधर दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। हाय गाइस, तो आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है, और आज मैं आपको हाजी अली की दरगाह का टूर कराने वाला हूं। अभी हम लोग लक्ष्मी नगर स्टेशन पे हैं, और यहां से हम लोग टैक्सी पकड़ेंगे और देन हम लोग हाजी अली की दरगाह पे जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो जो आप यहां से टैक्सी देख रहे हो, ये आपको सीधा हाजी अली की दरगाह पे लेके जाएंगे। रोड से करीब 500 मीटर की दूरी पे हाजी अली की दरगाह है। तो अभी हम लोग ऑटो में जाएंगे, और वहां से छोटा सा टापू है, वहां पे हाजी अली की दरगाह है, तो आपको दिखाते हैं फिर। कुछ नहीं, तो ये हाजी अली की दरगाह से 700-800 मीटर की दूरी पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हो, चद्दर हो गई, कैप हो गई, टेडी बियर, पर्स, ETC, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपको चाहिए यहाँ से। वर्ली की दरगाह वर्ली की खाड़ी में स्थित है। मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह दरगाह एक छोटे से टापू पर बनाई गई है। इस दरगाह की एक खासियत यह है कि चाहे कितने भी तूफान आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, बट ये डूबता नहीं है। इस दरगाह का निर्माण 1431 में किया गया था, वहाँ पे हाजी अली की दरगाह, और ये चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है। ये देखो आप पानी, उधर उधर दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग हाजी अली दरगाह के गेट के बाहर आ गए, और अभी यहाँ से हम एंटर करेंगे और आपको दिखाते हैं व्यू। ये दरगाह के अंदर का सीन है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इधर दरगाह हो गई पूरा। बाबा हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह पूरे विश्व के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। इस दरगाह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए बाबा से मन्नतें मांगते हैं। दरगाह के लेफ्ट साइड में उतरने के बाद में आप सीधा समुंदर का व्यू देख सकते हो, और यहाँ पे जो दूर दूर से घूमने के लिए लोग आते हैं, वो यहाँ पे सेल्फी क्लिक करवाते हुए भी देखे जा सकते हैं। और आप समुंदर की लहरें देखो, बहुत ही ऑसम लग रही है देखने में। और यहाँ का व्यू देखिए आप, सर ये जो हाजी अली की दरगाह है, ये जैसे समुद्र का पानी ज़्यादा होता हो तो डूबती नहीं होगी, पानी नहीं आता हुआ उसके पीछे? अच्छा, मतलब खासियत है यहाँ की, चमत्कार कहला है, कुछ भी कहला। तो अभी हम लोग दरगाह के पीछे की साइड में चलते हैं, और देखते हैं कैसा व्यू आएगा यहाँ से। तो ये दरगाह के पीछे का कुछ ऐसा है सीन। ये दरगाह का व्यू पीछे से आपको दिखा रहा हूँ मैं, पूरा व्यू है दरगाह का। यहाँ पे फोटो क्लिक करवाते हुए लोग, और यहाँ पे खाने के बहुत से आइटम भी आपको मिल जाएंगे बीच में।
यहाँ पे आपको खाने में बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, बिरयानी, चिप्स, वेपर, ये किसी सारे कुछ मिल जाएंगे आप। यहाँ पे खाना खाने के बाद में दो तीन बिल्डिंग टाइप में है, मीन्स फ्लोर टाइप में, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो अभी हम लोग फर्स्ट पे आ गए और यहाँ से व्यू देखते हैं, एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अभी हम लोग दरगाह की फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ से मैं आपको जो व्यू दिखा रहा हूँ वो समुंदर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। तो ये मेरे पीछे आप समुंदर की लहरें देख सकते हैं और यहाँ से पब्लिक कुछ सेल्फी क्लिक करवा रही है, पीछे का व्यू देखते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे आने के बाद में कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है हमें समुंदर के साइड में, और ये पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ से। ये मैं दरगाह की सेकंड फ्लोर पे हूँ। दरगाह में आने के बाद आप समुंदर में नहा भी सकते हो। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, दरगाह में घूमिए और इंजॉय कीजिए। और एक बात का ध्यान रखें कि मास्क ज़रूर लगाएं। मैंने तो मास्क हटा रखा है, पर आप मास्क ज़रूर लगाएं यहाँ पर। और यहाँ पे अपने पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वहाँ से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का हो, हर कोई यहाँ पे आ सकता है घूमने के लिए। तो जो ये हाजी अली की दरगाह है, यहाँ पे काफ़ी स्टेट के लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे विदेशों से भी बहुत सारे सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट दिखाओ अपना। और अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में अच्छी अच्छी, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, तो सपोर्ट करो अपने भाई को।